नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और खबरों के विस्तार में जाएंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पेट्रोल डीजल की महंगाई के विरोध में कांग्रेस का भारत बंद और राहुल गांधी के नेतृत्व में राजघाट से रामलीला मैदान तक पैदल मार्च। 20 से अधिक विपक्षी पार्टियां भारत बंद का कर रही हैं समर्थन। और आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल 80.6 पैसे और डीजल पहुंचा 73.03 पैसे प्रति लीटर। उन्नाव में अब कीमैन रोकेंगे रेल हादसे। जीपीएस डिवाइस से लैस होंगे कीमैन और लखनऊ कानपुर रेल मार्ग पर हो चुके हैं कई हादसे। और खबरों की ओर बढ़े उससे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर पेट्रोल डीजल में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से आज भारत बंद है। बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भारत बंद। कांग्रेसियों ने बढ़ती कीमतों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन किया है और जिले भर में पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भारत बंद किया है। बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भारत बंद का आह्वान किया कांग्रेसियों ने, और कांग्रेसियों ने बढ़ती कीमतों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन किया है और जिले भर में पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। अभिलाष वाजपेयी हमारे साथ कानपुर से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अभिलाष, पूछना चाहूंगी कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से कांग्रेसियों ने आज भारत बंद है, क्या कानपुर में इसका असर देखा गया? जी देखिए, पेट्रोल की लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं, जैसे दिल्ली में और कानपुर में भी 80 रुपए से ऊपर पेट्रोल की कीमत पहुंच गई है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, आम जनता प्रभावित हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी दल है, उन्होंने आज भारत बंद का आह्वान किया था, क्योंकि अभी सुबह के 10 बजे हुए हैं, ज्यादा मार्केट अभी नहीं खुली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इस भारत बंद में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होंगे, क्योंकि ये एक आम जनता से जुड़ा मामला है। जी, पूछना चाहूंगी कि आज भी अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या बताया जा रहा है कि पूरे देश में कांग्रेस के साथ ही और भी कई दल हैं, और भी कई पार्टियां हैं जो उनके समर्थन में खड़ी हुई हैं, तो क्या कानपुर में भी बाकी दलों के लोग कांग्रेस के साथ इस भारत बंद में शामिल हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो कल तक की रणनीति बनाई जा रही थी, जो जानकारियां मिल रही थी, जो सूचना मिल रही थी, उसके अनुसार ऐसा लग रहा था कि शायद काफी व्यापक मात्रा, काफी व्यापक तरीके से जो है ये बंद किया जाएगा, क्योंकि कई लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, कई दल शामिल हो रहे हैं, लगभग मैं ये कहूंगा भाजपा को छोड़ के सभी दल इस बंद में शामिल है। और चूंकि अभी मैंने जिसका भी बताया तो सुबह का 10 बजे है, अभी कुछ देर बाद जब बाजारों के खुलने का समय होता है, उस समय इसकी एक्चुअल स्थिति समझ में आएगी कि आखिर बंद कितना सफल हो रहा है। लेकिन अभी इसका असर कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि हाँ, भारत बंद अगर कहा गया है तो कई ऐसी बाजारें हैं जो सुबह 8 बजे 9 बजे खुलती हैं, वहां पर अभी कई ऐसी दुकानें हैं जो नहीं खुली हैं, तो अभी आधे घंटे या 1 घंटे बाद इसकी कितना असर हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिलाष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर, जहां बता दें पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज कांग्रेसियों ने भारत बंद का आह्वान किया है। हालांकि हमारे साथ अभिलाष वाजपेयी हमारे संवाददाता कानपुर से, उन्होंने बताया कि अभी कानपुर में इसका पूरा असर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि 10 बजे के बाद ही ज़्यादातर मार्केट खुलती है और उसके बाद ही इस बात का आकलन कर पाएंगे कि आखिर भारत बंद का कितना असर कानपुर में देखने को मिला है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भारत बंद। और कांग्रेसियों ने बढ़ती कीमतों की वजह से देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और आज कांग्रेसियों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है और जिले भर में पुलिस ने किया है अलर्ट जारी। ये पूरी खबर आपको बता दें, जहां पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और साथ ही आपको बता दें कि आज कांग्रेसियों ने भारत बंद किया है। हालांकि कितना हद तक ये भारत बंद असरदार रहा, इसका आकलन 11 बजे तक हो पाएगा, क्योंकि अमूमन 10 बजे के बाद ही सभी मार्केट खुलते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेसियों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। अब देखना होगा कि ये भारत बंद कितना सफल होता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के साथ में अगर भाजपा की बात हम करें तो सिर्फ भाजपा नहीं है, बाकी सभी दल कांग्रेसियों के भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं।
और कांग्रेसियों ने बढ़ती कीमतों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन किया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और आपको बता दें कि आज भी कीमत में इजाफा हुआ है और ज़िले भर में पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि 11 बजे के बाद ही इस बात का आकलन हो पाएगा कि भारत बंद कितना असरदार रहा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेसियों ने भारत बंद का आह्वान किया है और आपको बता दें कि लगभग अगर भाजपा की बात करें तो सिर्फ भाजपा को छोड़कर बाकी सारी पार्टियां इस भारत बंद में शामिल हैं। और अनवर रजा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं बांदा से। अनवर, पूछना चाहूंगी कि बांदा में भारत बंद का कैसा असर देखने को मिला? जी, मैं बताना चाहूंगा कि सभी पार्टियां मिलकर भारत बंद आंदोलन में शामिल हो गए हैं और जगह जगह पर सारी दुकानें बंद करवा रहे हैं। यहाँ पर जो शहर में जो मॉल है वहां पर पहले से ही इन्होंने एक विज्ञप्ति जारी कर दी थी और जाकर निवेदन किया था कि अगर इसको बंद कर दिया जाए, अगर वरना आज खोले रखेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो मॉल भी यहाँ जितने भी शहर में है तो सारे बंद है, बड़ी बड़ी दुकानें बंद है। यहाँ पर जो सड़कों पर सारे जो पार्टी के दल के सारे दल के लोग हैं जो रोडों में घूम रहे हैं। जी, पूछना चाहूंगी, आपने जैसा कि बताया कि कांग्रेस के साथ लगभग सभी दल वहां पर इसके समर्थन में हैं, भारत बंद के समर्थन में हैं, तो क्या कुछ सभी दलों की ओर से देखा गया? क्या अभी तक अगर बाजारों की बात करें तो क्या सड़क पर लोग उतर आए हैं और बाजारों को बंद करवाना शुरू कर दिया गया है? जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर सुबह से ही पहले से ही कई दुकानें बंद थी, कई मार्केट यहाँ पर बंद है, लेकिन जो मार्केटें जहाँ खुली हुई है उनको भी बंद कराया जा रहा है। जी, शुक्रिया अनवर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर का अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये पूरी खबर आपको बता दें जहां पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज कांग्रेसियों ने भारत बंद का आह्वान किया है। और आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने बढ़ती कीमतों की वजह से देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और जिले भर में पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है और लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। और आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ और सुबह से ही कांग्रेसी भारत बंद को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, जगह जगह दुकानों को बंद करवाया जा रहा है और अमूमन सभी पार्टियां भाजपा को छोड़कर उनका इस भारत बंद में समर्थन कर रही हैं। विवेक दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कन्नौज से। विवेक, कन्नौज की अगर बात करूँ तो भारत बंद का कितना असर रहा? बताना चाहेंगे कन्नौज सपा का दल कहा जाता है, सपा का दल है यहाँ पर, कांग्रेसी बहुत कम है, इसलिए भारत बंद का असर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। दुकानदार सब अपनी दुकानें खोले हुए हैं, आवाजाही सारे वाहन चल रहे हैं, सब कुछ बराबर चल रहा है। यहाँ पर कन्नौज सपा का दल है, लेकिन आज सपा ने भी भारत बंद में सहयोग दिया है, लेकिन पार्टियां जहाँ एक साथ दे रही है वही सपा भी सामने आ रही है, लेकिन अलग मंच पर दिखाई पड़ रही है। सपा का तहसील में धरना प्रदर्शन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर है तो सपा का धरना प्रदर्शन जरूर दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारत बंद का असर नहीं दिखेगा पंजाब में। लेकिन विवेक, अगर बात करूं तो आज जो भारत बंद है कांग्रेस में, 21 विपक्षी दल कांग्रेस के साथ हैं, तो क्या सपा इस भारत बंद में कांग्रेस के साथ नहीं है? जैसा कि आपने बताया कि सपा के गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज में, आपने बताया कि उसे सपा का गढ़ कहते हैं, तो वहां पर आखिर इसका असर क्यों नहीं दिखा? जबकि एक तरफ तो सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ कई पार्टियां इस भारत बंद का समर्थन कर रही हैं, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है, तो फिर यहाँ पर साथ क्यों नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल बताना चाहेंगे, भले ही 21 पार्टियां कांग्रेस का समर्थन कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं कन्नौज में या कहीं भी सपा का अलग मंच बना हुआ है। सपा धरना प्रदर्शन हर क्षेत्र में चल रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ भारत बंद में प्रदर्शन नहीं कर रही है। कांग्रेस का आह्वान है कि भारत बंद में जो मतलब पूरा बाजार मार्केट को बंद किए जाए, वाहन बंद किए जाए, कहीं कहीं ट्रेन रोकी है, कहीं कहीं वाहन रोकी है, लेकिन यहाँ पर कोई असर नहीं दिखा है। कन्नौज में कोई असर ऐसा नहीं दिखा है। जी,
जी शुक्रिया आपका विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अधिक हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ विवेक थे कन्नौज से, इन्होंने बताया कि कन्नौज में भारत बंद का ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला है क्योंकि वहां पर उनके मुताबिक सपाइयों की संख्या ज़्यादा है और वो इस भारत बंद में वहां पर उनका समर्थन करते हुए नहीं दिखाई दिए हैं, बाजारें खुली हुई हैं। और हमारे साथ विवेक कन्नौज से थे, उन्होंने कन्नौज के बारे में बताया कि क्या कुछ भारत बंद का असर वहाँ पर है। ये पूरी खबर आपको बता दें जहाँ पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भारत बंद का आह्वान किया है और कांग्रेसियों ने बढ़ती कीमतों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। और आज कांग्रेसियों की ओर से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से देशव्यापी प्रदर्शन है और भारत बंद है। जिले भर में पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। हम हर जिले का अपडेट आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ अभी कन्नौज से हमारे संवाददाता थे, उन्होंने बताया कि कन्नौज में सपाइयों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पर भारत बंद का असर कम देखने को मिल रहा है। हालांकि कानपुर की अगर बात करें तो हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि 11 बजे के बाद ही इस बात का आकलन करना सही होगा कि भारत बंद का कितना असर देखने को मिला, क्योंकि अमूमन 11 बजे के बाद ही बाजारें खुलती हैं, तो तभी ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कांग्रेसियों द्वारा ये भारत बंद कितना सफल रहा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भारत बंद किया है, कांग्रेसियों ने बढ़ती कीमतों की वजह से देशव्यापी प्रदर्शन किया है और हर जिले में पुलिस अलर्ट है। ये पूरी खबर आपको बता दें जहां पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेसियों ने भारत बंद का ऐलान किया और 21 विपक्षी दल की पार्टियां कांग्रेस का समर्थन कर रही हैं इस भारत बंद को लेकर। और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से कांग्रेसियों ने भारत बंद का आज ऐलान किया है और देशव्यापी वो प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्षी दल भी उनके साथ इस भारत बंद में हैं क्योंकि वो उनका समर्थन कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर जो उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है। ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भारत बंद का कांग्रेसियों द्वारा आह्वान किया गया है और कांग्रेसियों ने बढ़ती कीमतों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। और आपको बता दें कि 21 विपक्षी दल की पार्टियां उनका समर्थन कर रही हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली से लगातार ये जानकारी सामने आ रही है कि राजघाट से लेकर रामलीला मैदान तक राहुल गांधी खुद पैदल, उनके नेतृत्व में पैदल मार्च किया जाएगा। और ये जी आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये पैदल मार्च चल रहा है और राजघाट से लेकर रामलीला मैदान तक ये पैदल मार्च चल रहा है और राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत बंद किया गया है। ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भारत बंद और दिल्ली से लगातार ये खबर सामने आ रही है जहां पर राजघाट से लेकर रामलीला मैदान तक राहुल गांधी के नेतृत्व में ये पैदल मार्च किया जा रहा है। भारत बंद का आह्वान कांग्रेस द्वारा किया गया है और आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा से गंगा जल लेकर वो आए थे और राजघाट पर उन्होंने चढ़ाया। और कानपुर देहात से यासीन अली हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। यासीन, पूछना चाहूंगी कानपुर देहात में भारत बंद का कैसा असर दिखा? यासीन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, कानपुर देहात की अगर बात करें तो भारत बंद कितना असरदार रहा? जी, अगर कानपुर देहात की बात करें तो कानपुर देहात में आज द्वारा बुलाया गया भारत बंद है, उसमें मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ मार्गों पे असर है, कुछ यातायात पे भी असर है, रोड पे कुछ सन्नाटा भी है और कहीं कहीं यातायात और मार्केट सुचारू रूप से चल रहे हैं। जी, पूछना चाहूंगी, आपने बताया कि वहां पर असर देखने को मिला है और पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है कि आखिर कितनी देर तक ये असर रहेगा और कांग्रेस के साथ साथ और कौन सी पार्टियां कानपुर देहात में इस भारत बंद का समर्थन कर रही हैं? जी, आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा बुलाया गया इस भारत बंद में कानपुर देहात में सपा की इकाई भी समर्थन कर रही है और बसपा का भी सहयोग मिल रहा है और जो भारत बंद के साथ साथ यहाँ प्रदर्शन भी किया जाएगा तीनों पार्टियों के सम्मिलित तरीके से। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ यासीन जुड़ने के लिए और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। हमारे साथ यासीन अली कानपुर देहात से थे, उन्होंने बताया कि क्या कुछ हाल कानपुर देहात में है और क्या कुछ असर भारत बंद का देखने को मिला है। ये पूरी खबर जहां कांग्रेसियों ने बढ़ती कीमतों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन किया है।
ये पूरी खबर आपको बता दें, जहां पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेसियों ने बढ़ती कीमतों को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया है और देशव्यापी प्रदर्शन किया गया है। जिले भर में पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेसियों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है और कई जगहों पर भारत बंद का असर देखने को भी मिला है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भारत बंद, कांग्रेसियों ने बढ़ती कीमतों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन किया है। और चित्रकूट से हमारे साथ हमारे संवाददाता रतन पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रतन, चित्रकूट में क्या स्थितियां हैं, कैसा असर भारत बंद का रहा? ये आपको बता दें कि महंगाई के खिलाफ जो है आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी संयुक्त रूप से जो है भारत बंद के तहत जो है आज चित्रकूट के बाजारों को जो है बंद करने में जुटी हुई है। और जो है दोनों पार्टियां मिलकर जो है आज यहाँ पर जो है सभी दुकानों को जो है बंद करा रही है। और जो है केंद्र सरकार जो है एक राष्ट्रपति ग्राम भी यहाँ पर मेरे सभी का काम कर रहे हैं। जी, पूछना चाहूंगी कि क्या चित्रकूट में कांग्रेस के साथ साथ और भी दूसरी पार्टियों के लोग इस भारत बंद में शामिल हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस के साथ 21 विपक्षी दल भी इस पूरे भारत बंद में उसका समर्थन कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को जो लेकर भारत बंद का आज आह्वान किया गया है, उसमें 21 विपक्षी दल और भी शामिल हैं, तो क्या वहां पर भी अन्य पार्टियों के लोग भी कांग्रेस के साथ देखने को मिले? आपको बता दूं कि चित्रकूट में जो है समाजवादी पार्टी जो है पूरी इनके साथ जो है पूरे संसद में लगी हुई है और बसपा भी समर्थन दे रही है, लेकिन अन्य पार्टियां यहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ रही जो इनके साथ संसद में शामिल हो। जी, शुक्रिया आपका रतन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भारत बंद और कांग्रेसियों ने बढ़ती कीमतों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन किया है। जिले भर में पुलिस ने किया अलर्ट जारी। बड़ी खबर, जहाँ पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज कांग्रेसियों ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है और भारत बंद का आह्वान भी किया है। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, तब तक आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। से पाइए जबरदस्त फायदे का सौदा। देवपुरी फेज एक व दो के बाद विपिन कुमार वर्मा और देवपुरी डेवलपर्स लेके आए हैं खास आपके और आपके बच्चों के लिए देवपुरी फेज 3 आवासीय योजना 30 महीने की आसान किश्तों में। कानपुर रोड पर अमौसी रेलवे स्टेशन के पास TSN मेडिकल कॉलेज लखनऊ के पीछे उत्तर रिंग रोड से मात्र 200 मीटर की दूरी पर, जहां पर आपको मिलेगी गेट इट कॉलोनी, डिवाइडर डामर रोड, पार्क, नाली, स्ट्रीट लाइट, CCTV कैमरा, सिक्योरिटी, खेलने का मैदान, स्कूल आदि की संपूर्ण व्यवस्था। जल्दी ही मिलिए विपिन जी से, समझिए और अपने वकील से परीक्षण कराकर पूर्ण संतुष्ट होकर बुक कराइए अपने सपनों का घर। पहले आए पहले पाए। अधिक जानकारी है तो विपिन कुमार वर्मा से संपर्क करें। परेशानी का होगा हल, बड़ा से बड़ा अपराध करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। कॉसेप्स के गलियारों का हाल, सितारों की हर वो बात, पर्दे के पीछे की कहानी, हम लाएंगे सिनेमा की जुबानी सिर्फ खबर फिल्मी पर। देखिए शाम 4:30 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। के दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे।
आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? जेएमडी पर, केवल जेएमडी पर। और इसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्यौहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। बाद आप सभी का स्वागत है। कानपुर के किदवई नगर के म्यूजिकल फाउंटेन पार्क में राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी की बैठक का आयोजन किया गया है और जिसमें शहर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रानू निगम ने संत समाज के लोगों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और शहर में कार्यकारिणी का गठन किया और साथ ही केंद्र सरकार से जल्द राम मंदिर निर्माण कराए जाने की मांग की है और कहा कि उनका उद्देश्य देश भर के सभी हिंदुओं को एक कर चलने का है। राम, आज राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी का कार्यक्रम है ये और मैं जिला अध्यक्ष अभी नवीन बनाया गया हूँ, तो आज मेरी ये बैठक है, कार्यकारिणी का मैं गठन कर रहा हूँ और हमारा उद्देश्य ये है कि जो है जो राम मंदिर का जो मुद्दा जो बार बार उठाकर जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, हमारे धर्म को बांटा जा रहा है, ऐसा ना हो। उत्तर प्रदेश के DGP OP सिंह ने पूरे प्रदेश में डिजिटल वॉलेंटियर की शुरुआत करने का आदेश दिया है और जिसको अब कानपुर पुलिस अमलीजामा पहनाने में लगी हुई है और जिसकी शुरुआत कानपुर SSP अनंत देव तिवारी ने की है। बर्रा इलाके में समाज के संभ्रांत लोगों के साथ बैठक की और पुलिस के साथ मिलकर समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए लोगों से आह्वान किया है। वहीं SSP की इस मुहिम में लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हर इलाके के क्षेत्रीय पार्षदों ने भी हिस्सा लिया। जनपद कानपुर नगर में मैंने कल से सभी क्षेत्रों में S10 संभ्रांत पुलिस मित्र के नाम से कम्युनिटी पुलिसिंग का कार्य योजना लागू की है। उसी के तहत कल भी मैंने गोष्ठियाँ की थी, आज भी मैं आपके बीच में यहाँ पर आया था। जो भी हमारे पार्षद पद के प्रत्याशी हैं और जो संभ्रांत लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी मैंने गोष्ठी किया है और उनको मैंने जिम्मेदारी दी है कि छोटे मोटे झगड़े, मोहल्ले के झगड़े मोहल्ले में सुलझाएं, कोर्ट कचहरी कम से कम जाएं। शहर के कटरे इलाके में आई बाढ़ के बाद सैकड़ों की तादाद में पीड़ित गांववासी सड़क किनारे कैंप लगाकर जिंदगी गुजर करने को मजबूर हैं और ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से पहुंचाई जा रही राहत सामग्री नाकाफी हो रही है और ऐसे में ब्राह्मण सेवा समिति और श्री राघव सेवा केंद्र जैसी समाज सेवी संस्थाएं आगे आई हैं और शिविर वाले इलाकों में कैंप लगाकर बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट समेत राहत सामग्री वितरित की है। और संस्था के महामंत्री मनोज पांडे ने बताया है कि संरक्षक दीपचंद्र दीक्षित की तरफ से राहत सामग्री की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और हजारों की तादाद में आज लंच पैकेट वितरित किए गए हैं। नरौरा बांध से पानी छोड़ देने के बाद गंगा कटरी के कई इलाकों में बाढ़ की स्थितियां बन गई हैं। सैकड़ों परिवार इस समय सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की ओर से जहां इनको राहत देने के लिए कई कवायदें की जा रही हैं, वहीं समाज सेवी संगठन भी इस कोशिशों में पीछे नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद है गंगा कटरी के इस इलाके में, साथ में राघव सेवा केंद्र और ब्राह्मण सेवा समिति के कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर राहत मुहैया करा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हुए जानते हैं कि किस तरीके से ये सेवाएं दे रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मनोज पांडे, अध्यक्ष ब्राह्मण सेवा समिति जी। मनोज जी, क्या स्थिति है, कितने परिवार यहाँ पर है, हमारे दर्शकों को बताइए।
करीब 1500 परिवार गंगा बैराज पर बाढ़ पीड़ित हुए हैं और ब्राह्मण सेवा समिति व राघव सेवा केंद्र द्वारा इन बाढ़ पीड़ितों को फल मिठाई व प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। लगभग अभी तक कितना वितरित कर दिया है? करीब 1000 पैकेट वितरण किए जा चुके हैं। सर क्या नाम है आपका? विमल मिश्रा। विमल जी क्या स्थिति यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरीके से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, परेशान? यहाँ की स्थिति आज के समय इतनी भयावह है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, पूरा पानी भरा हुआ है, लोग घर में त्राही त्राही मची हुई, लोग छतों पे हैं, प्रशासन ने यहाँ टेंट लगवाए हैं, टेंट लगा के लोग यहाँ पे रह रहे हैं और ब्राह्मण सेवा समिति और राघव सेवा केंद्र के द्वारा यहाँ पे प्रसाद का और खाने का वितरण किया जा रहा है। चलिए कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। सर आप क्या नाम है आपका? दिनेश वाजपेयी। दिनेश जी यहाँ पर क्या स्थिति है और किस तरीके से आप लोग सेवाएं मुहैया कर रहे हैं? गंगा के प्रवाह से इतनी भयानक स्थिति है कि छोटे 2 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल का बुजुर्ग गंगा के रोड पर यहाँ पर टेंट लगा करके अपना गुजारा कर रहा है, मगर कानपुर शहर के तमाम शरणार्थियों की सेवा हेतु ब्राह्मण सेवा समिति एवं राघव सेवा केंद्र जो निरंतर सालों हमेशा सेवा का कार्य किया करता है आकर के यहाँ पे खाद्य पदार्थ इत्यादि दवा इत्यादि का वितरण कर रही है यहाँ। और इसी बीच अगली बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है जहाँ पर बेखौफ चोरों ने 4 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। बड़ी खबर कन्नौज से, बेखौफ चोरों ने 4 घरों में चोरी की घटना को दिया अंजाम और लाखों रुपए के जेवरात और 1 लाख से ज्यादा कैश लेकर हुए फरार। घटना के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल है। बड़ी खबर कन्नौज से, बेखौफ चोरों ने 4 घरों में चोरी की घटना को दिया अंजाम और घटना के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल है। सौरिक थाना क्षेत्र के खानपुर इलाके की ये पूरी घटना है। विवेक दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर है कन्नौज से। विवेक, पूछना चाहूंगी कि आखिर कन्नौज में जो चोर हैं वो बेखौफ क्यों हैं, क्या उन पर खाकी का खौफ नहीं है? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कन्नौज में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है। 2 दिन पहले इनके एक बड़ी चोरी हुई थी प्रधान के घर पर, वहां पर प्रधान के घर पर राइफल बंदूक चोरी हुई थी। आज वही सौरिक में 4 घरों में लगातार चोरी हुई है। यहाँ पर इतनी बड़ी चोरी हुई है कि लाखों 1 लाख से लगभग नकदी और जेवरात भी लेकर फरार हो गए बदमाश। कई लोगों के साथ मारपीट की है, कई लोग घायल हुए हैं। और भाई पास में लगभग 1 किलोमीटर के अंदर सौरिक थाना है और कोई कुछ नहीं, ना सुनने वाला था ना देखने वाला था। जी पूछना चाहूंगी विवेक की, क्या जिनके घरों में चोरी हुई है उन लोगों ने पुलिस में लिखित तहरीर दी है? जी बिल्कुल, पुलिस को तुरंत फोन नंबर पर कॉल किया, उसके बाद तहरीर दी है, पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस नमूना ले रही है, फिंगरप्रिंट वगैरह ले रही है, फॉरेंसिक टीम बुलाई है। लेकिन हमें लग रहा है कि कुछ भी नहीं होता, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है तब तक दूसरी कहीं ना कहीं घटना मिल जाती है। थाने में के अंतर्गत ये दूसरी लगातार चोरी है। ये आपको बताएं कि आसपास के 4 घर में चोरी हुई है, कहीं ना कहीं बदमाशों के पास ऐसा कोई नशीला पदार्थ होगा जिसको सुंघाकर कहीं ना कहीं बेहोशी हालत कर दिया, नींद में हो गए लोग, उसके बाद ही चोरी को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर कन्नौज से जहां पर बेखौफ चोरों ने 4 घरों का अपना निशाना बनाया और आपको बता दें कि कैश 1 लाख से ज्यादा कैश लेकर वो फरार हुए हैं। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज, आमजन की आवाज। नमस्कार। आप देख रहे हैं जी।